अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये एक बड़ी ही प्यारी सी लेस बनाने वाले हैं। फ्लावर्स की बनी हुई है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बारीक थ्रेड के साथ बनाया है। मैंने अपनी शर्ट पर लगाने के लिए बनाई है, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, ये 2-3 रोज़ में बनी हुई है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द दूंगी। इसके आगे ऐसे आप मज़ीद, जैसे ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, इसी तरह आप इस साइड को भी ज्वाइन करके 2 रोज़ में, 3 रोज़ में, जैसे चाहें आप बना सकती हैं। इस पैटर्न के साथ आप अपनी कोई जर्सी वगैरह, शॉल वगैरह भी बना सकती हैं। ये इस तरह का पैटर्न है। इससे नेक्स्ट इसी तरह इसके ऊपर ऊपर ये पीकॉक से हम ज्वाइन करते जाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी, बड़ी क्यूट सी ही ऐसा ही। के लिए मैं ये पॉलिस्टर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप वूल भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वूल भी यूज़ कर सकते हैं, 2-ply 3-ply भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर जर्सी स्वेटर, स्टोलर या इस तरह की अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर आप 4-ply भी यूज़ कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए, ये पॉलिस्टर थ्रेड है बारीक। आप चाहें तो वूल के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन मैं ये जो है लेस, ये बारीक थ्रेड से बना रही हूँ। आप बारीक वूल भी ले सकती हैं और 3-ply भी ले सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाह रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट लूँगी इस तरह से, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या ये मैंने 10 चेन्स ली हैं। और ये मैं 2 mm हुक यूज़ कर रही हूँ इस थ्रेड के लिए। तो इससे बारीक वाली भी 1.50 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 10 चेन्स ली हैं। 1, 2, 3, 4th चेन में मैं ये देखिए 2 टाइम यार्न ओवर करूँगी, 2 दफ़ा इस तरह यार्न ओवर करके, तो 4th चेन में मैं इसको बनाऊँ, चौथी चेन। ठीक है, ये देखिए इस तरह से चौथी चेन में मैंने पहले 10 चेन्स ली हैं, फिर मैंने चौथी चेन में 2 दफ़ा यार्न ओवर करके, 2 दफ़ा ऊपर धागा करके, तो ये भी बनाया इस तरह से। और फिर मैं 10 चेन्स लूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फिर मैं 2 टाइम यार्न ओवर करूँगी और फिर 4th चेन में ये रिंग बनाऊँ। इसी तरह से आपने जितना लंबा, जितनी लंबी लेस बनानी है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 चेन्स ली हैं। फिर 2 दफ़ा धागा धागा लपेटा है अपनी हुक के ऊपर, और चौथी चेन में मैंने ये देखिए इसको बनाया है। एक दफ़ा निकाला, 2 दफ़ा निकाला और 3 दफ़ा। ठीक, फिर
1, 2, 3। इसी तरह मैं इसको लंबा बनाती जाऊंगी, आप जितना लंबा बनाना चाहें। फिर मैंने 3 चेन्स ली और इस हुक के अंदर जो है वो डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। फिर मैं ऐसे यार्न ओवर करूंगी एक दफ़ा और पफ स्टिच की तरह हमने इसको लंबा खींच के तो 8 दफ़ा बनाना है, 8 टर्न। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो मेरा 8 टाइम हो गया, इसमें से मैं आधे एक दफ़ा निकाल दूंगी, 4, ये देखिए, और निकाल कर और इसको 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में इसको करूँगी, 4 एक दफ़ा और 4 एक दफ़ा करके तो सिंगल क्रोशिया करूँगी, ठीक है। अब मुझे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, ये जो है इसके पहले वाले पार्ट के मैंने ऊपर से यूँ उठाया है और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया 1 दफ़ा और फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 4 चेन्स ली और इसके पहले वाली चेन में डाल के तो पीकॉट इधर इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया, ये हमारा पीकॉट बन गया। फिर मैं यहीं पर 2 हाफ डबल क्रोशिया लूँगी, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये मेरा सिल्क, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दो, ठीक है, हमारा ये पहला पफ बन गया। ये देखिए, जैसे इसमें मैंने पहली जो रो है, सेकंड वाली रो जो है, उसमें मैं पहली तो हमारी चेन वाली थी, मैंने इस तरह 3 बनाए हैं, तो इस तरह से हमारे जो है वो 3 बने। अब नेक्स्ट वाला इसमें दूसरा भी ऐसे ही 8 दफ़ा मैं ये पफ स्टिच का बनाऊंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। ये मैं आधे 1 दफ़ा निकालूंगी, ये और फिर इस तरह और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। अब मैं ये जो नेक्स्ट वाला इसका है, पहला पार्ट नहीं, सेकंड वाले की मैं ऊपर ये जो हमारे चेन सी आई हुई है, इसमें मैं 1 और 2 मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 1, 2, 3, 4 चेन्स लूँगी और यहीं पर पीकॉट बनाऊंगी, यानी कि स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको बंद कर दूंगी और फिर मैं यहीं पर 2 हाफ डबल क्रोशिए मैं सेम स्पेस में बनाऊंगी और फिर मैं जहाँ पर ये बना रही थी वहाँ पर आकर डबल क्रोशिया बनाऊंगी और अगला पफ स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, हमारे 2 बन गए। इसी तरह मैं अब तीसरा बनाती हूँ, फिर मैं ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। और सिंगल क्रोशिया और अब ये यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो पफ का पहला पार्ट था ना, उसके ऊपर चेन सी है, उसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी,
टू डबल क्रोशिए और फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेके इसके ऊपर ही ये पीकॉट बनाऊँ। ये स्लिप स्टिच मैंने कर पहली चेन में स्लिप स्टिच बना दिया इस तरह से और फिर डबल क्रोशिया बनाकर ये हमारा फ्लावर का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं ये नेक्स्ट वाला जो हमारा होल बना हुआ है, ये हमने इस तरह के होल बनाए हैं ये देखिए, तो उसमें मैं इसी तरह ये यार्न ओवर करूँगी और नेक्स्ट वाले होल में जाकर डबल क्रोशिया बनाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह से मैं अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसी तरह मैं जिस तरह हमने ये कंप्लीट किया है पहले वाला, इसको भी मैं सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी ये नेक्स्ट वाले को। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, मैं आपको अब ये पूरा कंप्लीट करके एक साइड तो दिखाती हूँ, आप भी अपना कंप्लीट करें। ये देखिए ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब हमने टर्न कैसे लेना है, इसकी दूसरी साइड बनानी है, तो मैं आपको दूसरी साइड अब यहाँ से, ये हमारे यहाँ पर 3 हो गए, तो अब मैं इसी तरह से यहाँ से टर्न ले लूँगी। ये हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए इस थ्रेड को भी मैं अंदर ही कर लूँगी। अब ये होल की दूसरी साइड पे इसी तरह मैं दूसरी साइड चली जाऊँगी, ये देखिए मैंने बनाया है। अब इसी तरह से मैं फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसको मैं दो पार्ट्स में करके तो फिर हुक निकालती हूँ, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर यार्न ओवर किया और पहले वाले पार्ट की चेन पे 2 हाफ डबल क्रोशिए बनाए और फिर 4 चेन्स ली। 4 चेन लेने के बाद यहीं पर पहली चेन में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, तो ये हमारा पीकोट बन गया। ठीक है, ये ऊपर इसके। अब मैं इसी स्पेस में ही 2 हाफ डबल क्रोशिए दोबारा बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया ये यहाँ पर बनाते हुए इस पफ को कंप्लीट कर, ये देखिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बनाती हूँ, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाफ मैंने यहाँ तक एक दफ़ा निकालिए और फिर यार्न ओवर करके तो सब में से निकाल, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया और ये जो हमारा पहला वाला पार्ट है इसका, इसके ऊपर हमारे ये जो चेन सी बनी हुई है, जो हमारे थ्रेड बना हुआ है, ये देखिए इसमें मैं 2 हाफ डबल क्रोशिए 1 एंड 2 एक स्पेस में 1, 2, 3, 4 और फिर फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करके पीकोट बना दिया, फिर इसी स्पेस में जहां हमने पहले 2 हाफ डबल क्रोशिए बनाए थे वहां पर 1 एंड ये देखिए 2।
बनाकर और यहाँ पर फिर नीचे आकर एक डबल क्रोशे से इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम लास्ट वाला इसमें बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सेम तरीके से हम इस पफ को भी कंप्लीट करें। वन टू थ्री फोर चेन्स लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच किया और फिर यार्न ओवर करके इन द सेम स्पेस 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाकर इसको कंप्लीट कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा हमारा जो है इसलिए इसका फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम इसी तरह से मैं ये नेक्स्ट वाले फ्लावर के अंदर जाकर यहाँ पर ये देखिए इसको कंप्लीट करूँ। यहाँ पर पहले मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके बाद इसी तरह पफ स्टिच के जरिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर सेकंड वाला 1/2 डबल क्रोशिया और 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं ये कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और भी कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाकर इस पफ को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इंशाल्लाह इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि इसके ऊपर हम फिर कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम इस तरह की एक और बनाकर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।